नित्य पूजन करना, नित्य उपासना आराधना करना। बिल्व पत्र तुलसी दल भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है महाराज। जैसे आंवला भगवान विष्णु का स्वरूप है, आंवले की पूजा करना विष्णु की ही पूजा है, ऐसे ही बेल जो बिल्व पत्र जो होता है, बिल्व का जो वृक्ष होता है, वो साक्षात भगवान शिव का स्वरूप ही है। भगवान शिव ही जगत कल्याण के लिए बेलपत्र बन करके उग गए हैं महाराज। त्रिलोकी में जितने तीर्थ होते हैं, सारे तीर्थों का वास बिल्व पत्र की जड़ में होता है। जब कोई बिल्व पत्र बिल्व के बेल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाता है और उससे जो थाला बना हुआ होता है वो जब उभर आता है जल से, उसको देख देख करके भगवान शिव का हृदय भी उभर आता है, मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और जो बेल के पेड़ पर इस तरह से जल चढ़ाता है, उस पर भगवान शिव अपना हृदय न्यौछावर कर देते हैं। भगवान शिव को बेल इतना प्यारा है महाराज। बेल के वृक्ष की जड़ में किया हुआ नित्य पूजन, तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, देवता हैं, उनके पूजन से जो फल मिलता है, वही का वही पूरा फल सिर्फ बेल के वृक्ष की जड़ का पूजन करने से मिल जाता है। बेल के पेड़ के नीचे जो जड़ के समीप अपने सिर को भिगोता है और वो सिर से जल की बूंदें जो नीचे गिर के बेल की जड़ में जाती हैं, उससे उसको तीनों लोकों में जितने पवित्र जल के स्रोत हैं उनमें स्नान करने का जो फल है, वह बेल के वृक्ष के नीचे सिर्फ जल सिर पर जल चढ़ाने से ही वही फल प्राप्त हो जाता है महाराज। ऐसी भगवान शिव की महिमा है। भगवान शिव ने ये विशिष्ट स्वरूप जगत के मंगल के लिए धारण किया है महाराज। बिल्व पत्र की नित्य पूजा करने से कोई ऐसी इच्छा ही नहीं जिसकी पूर्ति ना होती हो। बेल के पेड़ के नीचे एक शिव भक्त को भी अगर आप प्रसाद पवाते हैं, मैंने भोजन प्रसाद पवाते हैं, तो उसका आपको अनंत कोटि गुना फल प्राप्त होता है महाराज। और उस प्रसाद में अगर खीर हो, कल भी हमने थोड़ा कहा था, खीर हो और देसी घी के बने हुए अन्न के पकवान जो भी हो, उनसे अगर आप एक शिव भक्त को बेल के पेड़, कोई नहीं मना करे तो जबरदस्ती पकड़ के ले जाओ कि तुम्हें बेल के पेड़ के नीचे ही खिलाएंगे आज तुम्हारा, आज तुम्हें डाइनिंग टेबल पे नहीं खिलाएंगे, आज तो बेल के पेड़ के नीचे ही खिलाएंगे। वहां पर आप बिठा करके एक शिव भक्त को अगर आप प्रसाद पवाते हैं तो उससे आपको अनंत अनंत कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है, लाभ होता है महाराज। इसलिए प्रयत्न पूर्वक बेल की सेवा करना चाहिए। बेल के पेड़ के नीचे जो दीपक जला करके रखता है, भगवान शिव की कृपा से उसके अंदर सत ज्ञान की उपलब्धि उसको हो जाती है, सच्चे ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। जो बिल्व पत्र के बिल्व के वृक्ष के नीचे दीपक जला करके रखता है उसको, और इतना ही नहीं दिव्य ज्ञान भी प्राप्त होता है और भगवान शिव का दिव्य लोक भी प्राप्त होता है। ज्यादा कुछ नहीं करना, कितना सरल काम है। एक दीपक प्रतिदिन
बेल के वृक्ष के नीचे जला करके रखते रहो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है हमारी मुक्ति होगी कि नहीं होगी। शिवपुराण कह रहा है, हम कह रहे हैं, इतना अगर करते रहोगे तो तुम्हें बृहस्पति जैसा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और भगवान शिव का दिव्य लोक हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ एक दीपक बेल के वृक्ष के नीचे रखो।